फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो क्लास 10th के बच्चे हैं जो बोर्ड में अपियर होने जा रहे हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक जो है फर्टिलाइजेशन, इसको हिंदी में कहते हैं हम निषेचन। ये जो टॉपिक है यहाँ से यही क्वेश्चन डायरेक्ट कि व्हाट इज फर्टिलाइजेशन और व्हाट डू यू मीन बाय डबल फर्टिलाइजेशन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम बना के रखा है। तो ये जो डायग्राम है क्या है, कार्पेल का डायग्राम है और ये इसके इनर साइड का डायग्राम है। सो हम इसी चीज को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो उससे पहले हम जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है। तो फर्टिलाइजेशन, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज्ड होते हैं तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। सिंपली हम क्या पढ़े हैं, फर्टिलाइजेशन इन प्लांट। प्लांट में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? तो फर्टिलाइजेशन मीन्स होता है क्या, फ्यूजन ऑफ गैमेट। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट। ठीक है। अब जब गैमेट्स की बात है तो कौन से गैमेट्स, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो मेल और फीमेल गैमेट। तो यहाँ पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट जब फ्यूज होते हैं यानी मिलते हैं तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो सिंपली आप इसको डिफाइन कर सकते हो, फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, दैट इज मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और एक नंबर आप यहाँ पे आसानी से गेन कर पाते हो। तो अब यहाँ पे हम आता है क्वेश्चन कि मेल गैमेट्स क्या है। प्लांट का जो मेल गैमेट होता है दैट इज पोलन। पोलन को हम क्या कहते हैं, पराग कहते हैं हिंदी में। पोलन को हम कहते हैं पराग। तो मेल गैमेट जो है दैट इज पोलन और फीमेल गैमेट क्या होता है, एग। ठीक है, फीमेल गैमेट जो होता है क्या होता है, एग होता है। तो आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा, फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ गैमेट। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो मिलते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। सिंपली आप लिख सकते हो मेल और फीमेल। ठीक है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो फ्यूज होते हैं इसी प्रोसेस को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। इसके साथ एक और क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डबल फर्टिलाइजेशन। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसे होता है। तो फर्टिलाइजेशन क्लियर हो गया होगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसे मैं रब कर दे रही हूँ। और अब हम समझेंगे कि व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन होता कैसे है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा, मैंने आपको बताया कि जब पॉलन ग्रेन, ठीक है, जब पॉलन ग्रेन क्या होता है, स्टिग्मा पे फॉल करता है, ये पूरा पार्ट क्या है, कार्पल है, ये पूरा पार्ट क्या है, कार्पल है। ठीक है, तो जब पॉलन ग्रेन, ये है आपका क्या, पॉलन ग्रेन फॉल करता है स्टिग्मा पे। स्टिग्मा कैसा होता है, स्टिकी होता है। तो जब पॉलन ग्रेन फॉल करता है स्टिग्मा पे तो यहाँ पे क्या, ये डेवलप करता है एक पॉलन ट्यूब डेवलप करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, पॉलन ट्यूब डेवलप करता है। तो यहाँ से होता हुआ यही पॉलन ट्यूब के थ्रू, ये जो पॉलन ग्रेन है, ठीक है, ये पॉलन ग्रेन यहाँ से होता हुआ दो, एक पॉलन में, आप याद रखना, एक पॉलन ग्रेन में क्या होता है, एक पॉलन ग्रेन, ठीक है, में क्या होता है, दो मेल गैमेट्स होते हैं और क्या होता है, और एक होता है ट्यूब न्यूक्लियस, एक क्या होता है, ट्यूब न्यूक्लियस होता है। सो यहाँ पे जब ये पॉलन ग्रेन एंटर करता है तो कितना
मेल गैमेट एंटर करेगा, दो मेल गैमेट इस पॉलन ट्यूब के थ्रू होता हुआ ओवरी में एंटर करता है। तो ये जो है आपका मिडिल वाला, दिस इज एग्जिट, और ये दोनों क्या है, सिनर्जिड है, और ये एंटीपोडल्स है, और ये दो क्या है, पोलर न्यूक्लियाई, जिसका यहाँ पे लास्ट डायग्राम मैंने बनाया है। ऊपर वाला ये जो तीन है, दीज आर एंटीपोडल्स, ये पोलर न्यूक्लियाई, और ये जो है दिस इज एक्सेल, और ये दोनों क्या है, सिनर्जिड है। तो यहाँ पे जब होता क्या है, जब यहाँ पे दो मेल गैमेट्स क्या हुए, एंटर किए, तो एक मेल गैमेट इससे जाके यहाँ पे एग के साथ क्या करेगा, फ्यूज करेगा। ये सेंटर में क्या है, एग सेल है, इस एग सेल के साथ फ्यूज करेगा, तो ये क्या डेवलप करेगा, जायगोट। एक और जो है ये किससे फ्यूज होता है, इससे जाके, ठीक है। तो यहाँ पे दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट फ्यूज होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रिपल फ्यूजन। इस चीज को हम समझते हैं यहाँ पे कि आपने देखा कि एक पोलन ग्रेन में दो मेल गैमेट्स और एक क्या होता है, और ट्यूब न्यूक्लियस होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब ये यहाँ सेंटर करता है तो एक फर्स्ट मेल गैमेट, ठीक है, फर्स्ट मेल गैमेट जो है वो किसके साथ फ्यूज होता है, एग सेल के साथ, ठीक है। फर्स्ट मेल गैमेट एग सेल के साथ क्या करेगा, फ्यूज करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जब ये फ्यूजन होगा तो इसको हम बोलते हैं सिनगैमी, इसको क्या बोलते हैं, सिनगैमी बोलते हैं। और ये क्या फॉर्म करेगा, इट विल फॉर्म जायगोट, क्या फॉर्म करेगा, जायगोट, इट विल फॉर्म जायगोट। तो यहाँ पे एक फर्टिलाइजेशन हो गया, फिर क्या होता है, फिर होता है यहाँ पे दूसरा जो मेल गैमिट है, सेकेंड मेल गैमिट, ठीक है, सेकेंड मेल गैमेट, दूसरा मेल गैमेट क्या करेगा, वो किसके साथ फ्यूज करता है, टू पोलर न्यूक्लियाई, टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रिपल फ्यूजन होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ट्रिपल फ्यूजन, यहाँ पे जो होगा वो होगा ट्रिपल फ्यूजन होगा। जो ट्रिपल फ्यूजन होगा तो ये क्या फॉर्म करेगा, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म, ये फॉर्म करेगा ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म, ठीक है। तो ये फॉर्म करेगा, क्या फॉर्म करेगा, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। तो यहां पे आपने देखा कि एक गैमेट एक सेल के साथ फ्यूज होता है, दूसरा गैमेट किसके साथ फ्यूज होता है, पोलर न्यूक्लियस के, न्यूक्लियाई के साथ। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। तो अब डबल फर्टिलाइजेशन किसको बोलेंगे, किसको बोलेंगे हम, सिनगैमी, सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन को मिला के हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन को मिला के हम क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, क्या बोलते हैं इसको, इसी को कहते हैं हम डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये अगर आपने याद कर लिया तो ये टॉपिक आप इजिली याद, मतलब ये लाइन अगर आप याद रखते हो तो आंसर आप इजिली लिख सकते हो। एक बार फिर से मैं बताती हूँ आपको कि यहाँ पे क्या होता है, पॉलन ग्रेन जो फॉल करता है, पॉलन ग्रेन क्या है, पॉलन ग्रेन के अंदर होता है क्या, पॉलन, ये पॉलन ग्रेन में से होता हुआ दो मेल गैमेट्स यहाँ से और एक ट्यूब न्यूक्लियस आएगा, और यहाँ से माइक्रोपाइलर, जो माइक्रोपाइलर ट्यूब है वहां से, ठीक है, यहाँ से ये ट्यूब के थ्रू यहाँ से एंटर करेगा, फिर ये जो एक एग है, ठीक है, एक एग फ्यूज करेगा, ठीक है, एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा एग के साथ और दूसरा मेल गैमेट फ्यूज करेगा पोलर न्यूक्लियस के साथ। तो आप देख रहे हो यहीं पे दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो इसी चीज को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ये जो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म है वो क्या करता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो जो होता है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर आप देखोगे यहाँ पे, एक बार फिर से समझो कि सपोज यहाँ से कोई मेल गैमेट एंटर किया, ठीक है, इसमें एक पोलन ग्रेन में दो मेल गैमेट होता है, तो ये एक मेल गैमेट क्या करेगा, वो इस एक सेल के साथ
फ्यूज कर जाएगा, और दूसरा किसके साथ फ्यूज कर जाएगा, इसके साथ। तो हुआ था दो फर्टिलाइजेशन, इसी चीज को हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। और जब एक बार फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो आप याद रखना ओवरी क्या बन जाएगा, फ्रूट बन जाएगा, ओवरी बन जाएगा फ्रूट और ओव्यूल क्या बन जाएगा, सीड बन जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो कि व्हाट इज फर्टिलाइजेशन और व्हाट इज अ डबल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है, सिंपली आप याद रखो फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। अब जब गैमेट्स की बात है तो दो गैमेट, मेल एंड फीमेल, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट। ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज होंगे इसी चीज को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, और ये है डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, आप इसको एक बार इस वीडियो को देखिए, समझिए, अगर कहीं आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगी, आपको समझाने की कोशिश करूंगी। सो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, और जो पढ़ने वाले आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ आप इसको शेयर कीजिए। जल्दी मिलेंगे हम न्यू टॉपिक में, प्लांट में जो फ्लावरिंग प्लांट में जो रिप्रोडक्शन था वो हमारा यहाँ पे फिनिश हो गया। नेक्स्ट